कैमूर से राजद को कबार दिए, खत्म हो गया पूरा राजद, नहीं देखो कम से कम 80-90 ठो गाड़ी आई है जी। विचारधारा के ही वजह से ना लोग पार्टी को छोड़ते हैं या पकड़ते हैं, और तो कोई कारण नहीं होता है। अजीत सिंह जदयू ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं कि इनके कार्य को उनको बहुत पसंद है, और इनका जो भी कार्य है, चलना है, चलाना है, इस ये सब उनको बहुत मन को भा गया है। वो अपना अपना स्टैंड होता है। जगता नंदी है, पुराने लीडर हैं और उनकी अपनी कार्यशैली अलग है। अजीत सिंह अपने आप में परिवार को किसी प्रकार के दबाव या एथी में हो करके नहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, और मेरा नाम शशांक पांडे है। जदयू के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत कुमार सिंह आज जदयू में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद है, और ललन सिंह के ठीक बगल में आपको अजीत कुमार सिंह दिख रहे हैं, जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे हैं। उनके समर्थन में आए लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्यों जगदानंद सिंह के छोटे बेटे को जदयू ज्वाइन करना पड़ गया, आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ जगदानंद सिंह को राजद का पूरा कमान दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष का, और दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे जो हैं जदयू में शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके परिवार में कभी भी मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप कभी रहा नहीं है, है ना, तो इस वजह से उन लोगों को आज़ादी रही है, स्वतंत्रता रही है शुरू से, कि जिसकी आइडियोलॉजी आपको पसंद आए उसके तरफ वो लोग जा सकते हैं। तो अजीत जी जो हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो ज्वाइन करना चाहिए और उनके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे वो। अच्छा, अब जगदानंद सिंह का जो मुंह है वो उतर गया, जो थी है चेहरे का एक्सप्रेशन है वो बदल गया है, जब उनको ये पता चला कि उनके छोटे बेटे जो हैं वो जदयू में शामिल हो रहे हैं, वैसे पार्टी में जो राजद देखना नहीं चाहती इस पार्टी को। मुझे नहीं लगता कि जगदानंद सिंह का मुंह उतर गया होगा, क्योंकि जगदानंद सिंह जो हैं उनको जिस तरह से वो लोग तैयार हुए हैं बचपन से लेके, जो सीख उन लोगों को मिली है, उन लोगों को शुरू से अपने पैरों पे खड़ा किए हैं, और हमको लगता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसे कि मैंने कहा कि शुरू से उनके परिवार में ऐसा नहीं रहा है कि आपको आपके ऊपर दबाव है कि आपको इसी पार्टी में जाना है या उस पार्टी में जाना है। तो अजीत जो हैं ये बाहर पढ़ाई लिखाई किए हैं, इंजीनियर रह चुके हैं, इनको ये अपने क्षेत्र में रामगढ़ में लगभग 10 वर्षों से सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको लगा होगा कि नीतीश कुमार जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, और इस वजह से नीतीश कुमार अच्छा काम, लालू की विचारधारा इनको पसंद नहीं आई। नहीं आई होगी बिल्कुल, तभी ना विचारधारा के ही वजह से ना लोग पार्टी को छोड़ते हैं या पकड़ते हैं, और तो कोई कारण नहीं होता। अजीत कुमार सिंह के साथ आए हैं, क्या लगता है कि अजीत कुमार सिंह को जदयू क्यों ज्वाइन करना पड़ गया? अजीत सिंह जदयू ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं कि इनके कार्य को उनको बहुत पसंद है, और इनका जो भी कार्य है, चलना है, चलाना है, इस ये सब उनको बहुत मन को भा गया है, इसलिए ये इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। कहाँ से आए हैं? रामगढ़ से। जी सर, तो क्या लगता है कि जदयू इनको बड़ा पद देगा? अब तो हम लोग उसी आश्रय में आए हैं कि हम इनको जितना बड़ा से बड़ा पद ऊंचा कर दें, हम लोग उसी हौसले के साथ इस यहां। विधायक हैं तो इससे पहले तो वो राष्ट्रीय, अरे क्या कहलाता है, कि भाजपा में ज्वाइन किए हुए थे, आज राष्ट्रीय जनता दल में आ गए, तो ये क्यों नहीं इस पार्टी में आएंगे? ये भी जदयू से राजद में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमको तो नहीं लग रहा है कि जदयू से राजद में जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? रामगढ़ विधानसभा से। अजीत कुमार सिंह के साथ आए, पिता प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, ऑलरेडी राजद उनको सम्मान कर रहा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो बार बार राजद से ये कहते रहा, अपने परिवार में ये कहते रहा कि जगदानंद सिंह धोखा देंगे, नाम तो आपको पता ही होगा, तेज प्रताप यादव। तो अब तेज प्रताप यादव के लिए ये तो बहुत बड़ा चुनौती हो गया कि अब वो तो अब कहेंगे, जगदानंद सिंह को बार बार कहेंगे कि आपके छोटे बेटे जो हैं वो जदयू में जाकर शामिल हो गए। वो अपना अपना स्टैंड होता है। जगता नंदी है, पुराने लीडर हैं और उनकी अपनी कार्यशैली अलग है। अजीत सिंह अपने आप में
परिवार को किसी प्रकार की दबाव या एथिम हो करके नहीं, स्वतंत्र सारे परिवार स्वतंत्र हैं राजनीति में। और अजीत आज पद मिले या न मिले, समाज का सेवा शुरू से ही करते आ रहे हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, गरीब गुरबा जो महल महल को छोड़कर जो झोपड़ियों में रहने वाले हैं, खास करके उन तमाम लोगों को जन जन तक जा करके सेवा करने का इनका लक्ष्य हमेशा रहा है। और आज भी नीतीश कुमार के कार्यों को इन्होंने मैंने प्रशंसा करते हुए भापे कि नहीं, ये सरकार अच्छी है, तब इन्होंने स्वतंत्र पूर्वक होकर के पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव की विचारधारा पसंद नहीं है, वैसे कोई मतलब नहीं है, इनकी अपनी राजनीति अपनी सोच अलग है, परिवार का सोच अलग है, ठीक ना। लेकिन ये इनका सोच बनी कि नहीं, हम नीतीश कुमार के कार्यों से हम संतुष्ट हैं। नीतीश कुमार कार्य कर रहे हैं। हाँ, कार्य कर रहे हैं, तभी तो अजीत भैया वह प्रहरी हैं कि हर कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, और जो उनको जब अच्छा लगती है तभी चीज को पसंद करते हैं। कह रहे हैं कि राजनीति की समझ नहीं है उनको, इसलिए चले गए जदयू में। किनको? अजीत कुमार सिंह को राजनीति की समझ नहीं है, अभी बच्चे हैं, बहुत कह रहे हैं। राजनीति को समझ नहीं है, ये राजनीति दूसरे को सिखाने वाले हैं, समझ क्यों नहीं है? ये खुद अपने आप को इंजीनियर भी रहे हैं, इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। और राजनीति कोई सीख करके नहीं आता है, जनता की मांग होती है। जितने भी लोग आए हैं रामगढ़ विधानसभा से, अजीत का सिर्फ पुकार पर चले हैं। और अजीत वो शख्स होगा कि जदयू का कैमूर जिला में कोई स्थान नहीं था, बीजेपी का स्थान था, लेकिन जदयू का कैमूर जिला में अजीत कुमार सिंह नंबर वन पर यह कैमूर जिला में दिखाने का काम करेंगे कि देखिएगा सारे जितने भी इस प्रदेश के अंदर हैं, अजीत का नाम रोशन कैमूर जिला के अंतर्गत होगा कि नहीं होगा। और नीतीश कुमार को प्रशंसा करना पड़ेगा। तो इंजीनियर साहब को इंजीनियर ही पसंद आया ना? हाँ, इंजीनियरिंग पसंद है, अच्छा चीज़ है। सोच भी इंजीनियर ही, भी इंजीनियर होता है। आप कहाँ से हैं? रामगढ़ से हैं। हाँ, अच्छा, आते हैं एक मिनट, इनसे भी बात कर लेते हैं, बहुत बेचैन है। आप कहाँ से आए हैं? किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष है राजद के? किसान प्रकोष्ठ, पूरा हमारा यहाँ, हम लोग पूरे वहाँ से कैमूर से राजद को कबार दिए, खत्म हो गया पूरा राजद, नहीं देखो। हाँ, पूरा राजद कम से कम 80-90 ठो गाड़ी आई है जी। हाँ, पूरा किसान मजदूर। हाँ, और ये जान लीजिए कि अजीत सिंह जैसा कोई नेता नहीं है। तो राजद को पूरी तरीके से कैमूर से खत्म कर दिया? खत्म हो गया। हाँ, खत्म कर नहीं दिया, खत्म हो गया। हाँ, राजद इनके पिताजी राजद को बनाने में लगे हुए हैं। अरे भाई, बनाने में लगे तो बाबूजी बना रहे हैं बेटा। देखिए, राजनीति में पिता पुत्र की बात नहीं होनी चाहिए। राजनीति में पिता पुत्र की बात नहीं होनी चाहिए, वो जहाँ है वहाँ उनकी बात। राजनीति में पिता पति पत्नी का जगह नहीं है, वो तो पुत्र बेटा का तो बातें अलग है। हमारे कहने का मतलब कि आज पूरा राजद किसान प्रकोष्ठ का पूरा यूथ, मतलब आप देख ली, लाइन लग गया है कैमूर से राजद खत्म। जबकि क्यों नहीं पसंद है आपको राजद? क्यों नहीं पसंद राजद इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, शराबबंदी, दहेज प्रथा, वो आप देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं शराबबंदी के चलते, शराबबंदी के राजद लालू की वजह से पसंद नहीं आया कि तेजस्वी की वजह से? देखिए, लालू जी का बात छोड़ दीजिए। हाँ, लालू जी बहुत अच्छे थे। हाँ, सब आज लालू जी का देन है कि तेजस्वी जी अच्छे नहीं है ना। ये लोग हवा हवाई हैं। हाँ, हवा हवाई। हाँ, हवा में बोलते हैं लोग, मान के चलिए पप्पू हैं। जनता देख रही है, पप्पू हैं। और एक बात हो, कैमूर ही नहीं, ये जो अजीत आए हैं पूरे बिहार में जदयू को एक नंबर करेंगे, एक नंबर। हाँ, एक नंबर। तो पूरे बिहार में जदयू को एक नंबर करेंगे अजीत सिंह, और अजीत सिंह आज जदयू में शामिल हो गए हैं। अब देखने वाली बात है कि जदयू इनको कौन सा कार्यभार देगा, कौन सा कार्यभार जदयू का संभालेंगे। फिलहाल अभी मंच पर बैठे हुए अजीत सिंह हैं, जदयू में शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भी हैं, और जदयू के तमाम सब नेता हैं वो भी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए।